एक तरफ सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की काफी कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ भ्रष्ट कर्मचारी सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ा रही हैं। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से सामने आया है, जहां एक महिला ने नगर पंचायत कर्मी पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। हमारे को सबूत मांग रहे हैं, कहते हैं कि डुप्लीकेट है यार, 15,000 रुपया हम करूँ। कौन? नगर पंचायत के जो है वो। उनका नाम क्या है? दिब्बू पाड़े। दिब्बू पाड़े, आपसे कितना पैसा मांग रहे हैं? 15,000 रुपए मांग रहे हैं। किस चीज का? नकल देने की। कौन सा नकल है? परिवार रजिस्टर। परिवार रजिस्टर का नकल मांग रही हैं आपसे। 15,000 रुपए मांग रहे हैं। 15,000? तो आप अभी कहाँ आई हैं शिकायत करने? तहसील दिवस में। किससे शिकायत की आप? दरअसल मामला कुंडा नगर पंचायत से जुड़ा है, जहां रजनपुर की एक महिला ने परिवार रजिस्टर की नकल के बदले 15,000 रुपए की मांग करने का नगर पंचायत कर्मी पर आरोप लगाया है, जिसको लेकर पीड़िता ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देते हुए इंसाफ की गुहार लगाई। वहीं पीड़िता का ये भी कहना है कि जब मीडिया द्वारा खबर चलाई गई, तो भन्नाई नगर पंचायत कर्मी ने मीडिया कर्मी को भी जान से मारने की धमकी दी।